एक बार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राजनीति के केंद्र में आ गए हैं। बीजेपी की सांस अटकी हुई है, तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। खबर चल रही है नीतीश कुमार का मन एक बार फिर से बदल रहा है। अश्विनी चौबे का जो बयान था उस पर बिहार में दंगल भी शुरू हो गया है। इसी बीच नीतीश कुमार ने अचानक एक बड़ा फैसला कर लिया है। अचानक एक नई चीज जानकारी सामने आई है जो अब तक नहीं थी, यानी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो बैठक होने वाली है 29 तारीख को, उससे पहले एक और बड़ी बैठक राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बुलाई गई है। तो क्या इस बैठक में कुछ बड़ा डिसीजन हो सकता है? क्योंकि खबर ये तक चल रही है, कुछ संस्थानों ने सोशल मीडिया पे ये तक चलाई है कि नीतीश कुमार बेहद नाराज हैं बयानबाजी से, और उन्होंने साफ साफ सम्राट चौधरी को बुला करके कहा है कि इस तरह का बयानबाजी ठीक नहीं है, और यही वजह है कि मैंने महागठबंधन छोड़ा था, तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, ये अच्छा नहीं है, इसको कंट्रोल कीजिए। तो क्या फिर मन और मिजाज बदल रहा है? नीतीश कुमार एक बार फिर बिहार विधानसभा चुनाव से पहले पाला बदल सकते हैं? इन्हीं संभावनाओं पर हम बात करने के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट संजीव पाठक जी हैं। क्या लगता है पाठक जी, क्या परिस्थिति वैसी बन रही है कि एक बार फिर से नीतीश कुमार मीडिया ब्लॉक में जा सकते हैं? नीतीश कुमार के संबंध में ये कहा जा सकता है कि नीतीश कुमार कोई भी फैसला लेते हैं उससे पहले अपने राष्ट्रीय कार्यकारिणी और पदाधिकारियों की बैठक करते हैं और बैठक के बाद ही किसी फैसले पर मुहर लगाते हैं। हालांकि वो फैसला ले चुके होते हैं, सिर्फ राष्ट्र कार्यकारिणी या राष्ट्रीय पदाधिकारी की बैठक के द्वारा उस पर मुहर लगाया जाता है। तो नीतीश कुमार के संबंध में और भी खबर चल रही है। खबर यहां तक चल रही है कि नीतीश कुमार को अगले कार्यकाल तक के लिए मुख्यमंत्री बने रहने का आश्वासन भी दूसरी ओर से मिल रहा है। ये भी आश्वासन मिल रहा है कि आप जिस तरह से चलाना चाहें उस तरह से चलाएं। चूंकि ये जो लोकसभा का जो चुनाव हुआ है उस चुनाव का परिणाम सभी सभी दलों के लिए संजीवनी का काम किया है। नहीं, तो नीति ये इंस्ट्रक्शन तो शीर्ष नेतृत्व की तरफ से है, जो कि बिहार के शीर्ष नेतृत्व पर एक तरीके से थोपा जा रहा है। जो कि बिहार का जो शीर्ष नेतृत्व है, उसने करीब करीब मन बना लिया था कि अब 2025 में नीतीश कुमार नहीं, खुद अपने बूते चुनाव लड़ना है, और शीर्ष नेतृत्व भी इसी पर आगे बढ़ रहा था। लेकिन चूंकि परिस्थिति आई और जो सरकार बनी है केंद्र में, वो नीतीश कुमार पर काफी हद तक निर्भर है, तो मजबूरी में कहीं इधर उधर नहीं चले जाएं, इसलिए नीतीश कुमार को कहा जा रहा है कि आप कुर्सी पर विराजमान रहिए, 2025 में भी हम लोग आप ही को सपोर्ट करेंगे, आप ही के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। लेकिन दो धरा है बिहार में भी, तो जो धरा सपोर्ट कर रहा है तो दूसरा धरा इसका विरोध भी कर रहा है, और अश्विनी चौबे ने एक तरीके से विरोध कर दिया है कि नीतीश कुमार को लेकर चलिए, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी है, वो नीतीश उस भूमिका में चले जाएं और नीतीश की भूमिका में बीजेपी के नेता चले आए। पाठक जी, जी तो नीतीश कुमार इस बैठक के माध्यम से वो 2025 के बाद का आश्वासन लेना चाहते हैं, ठोस आश्वासन लेना चाहते हैं केंद्रीय नेतृत्व से। अगर नीतीश कुमार राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं, अगर नीतीश कुमार के साथ गठबंधन होता है तो नीतीश कुमार इतनी सीट बीजेपी को नहीं देंगे कि बीजेपी अपने दम पर अकेले सरकार बना सके, ये तय है। तो जी नीतीश कुमार जैसे अमित शाह हुए, जेपी नड्डा हुए, पीएम मोदी हुए, इन लोगों से मतलब ठोस करार चाहते हैं कि आप 25 के बाद का जो आप हमको करार करिए और मैं जब चाहूं किसी को सौंप, मतलब हम पर कोई दबाव किसी का नहीं चलेगा। और दूसरी बात कि बिहार की जो स्थिति है वो बिहार में भाजपा अभी संक्रमण के दौर से गुजर रहा है। इसलिए संक्रमण के दौर से गुजर रहा है
बिहार भाजपा में लोकसभा चुनाव के बाद समीक्षा की तिथि भी अगर निर्धारित की गई तो 22 दिन के बाद, परिणाम के 22 दिन के बाद, तो कुछ उम्मीदवार ऐसे भी इस बार चुनाव मैदान में थे जो उम्मीदवार भाजपा प्रदेश नेतृत्व के संपर्क में नहीं थे। उससे अधिक जदयू के जो उम्मीदवार थे वो भाजपा के स्थानीय नेता का इस्तेमाल कर दिया, लेकिन भाजपा जदयू का इस्तेमाल नहीं कर पाई। भाजपा के कार्यकर्ता उदासीन थे। इसके पीछे की वजह जो है वह संगठन का कमजोर। नहीं देखिए, संगठन बिहार की बात करें तो कई गुटों में बटा हुआ है। नित्यानंद राय का अलग गुट है, सम्राट चौधरी का अलग गुट है, विजय सिन्हा भी अलग ये चलते हैं, अश्वनी चौबे ने जो कहा है ऐसे ही तो नहीं कह दिया हो ना। वरिष्ठ नेता है वो, केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, एक भी चुनाव उन्होंने नहीं हारा है। अभी देखिए, एक दिन पहले की बात है, विनोद तावरे ने पटना अटल की बैठक की, सारे हारे हुए प्रत्याशियों को बुलाया, उनमें से 3 प्रत्याशी पहुंचे ही नहीं, सिर्फ मिथिलेश ये तिवारी पहुंचे थे और एक और पहुंचे थे सुशील सिंह, आरके सिंह, रामकृपाल यादव, ये लोग पहुंचे भी नहीं थे। तो क्या ये लोग, मतलब क्या मैसेज मिल रहा है? और सोनी चौबे बयान दे रहे हैं, संजय पासवान नीतीश के फेवर में दे रहे हैं, सोनी चौबे नीतीश के अगेंस्ट में दे रहे हैं, दोनों लोग सम्राट चौधरी के का खिलाफ कर रहे हैं। चीजें तो समझ में नहीं आ रही। मतलब नीतीश कुमार शायद कंफ्यूजन में खुद पड़ गए हैं कि आखिर बीजेपी का स्टैंड क्या है जी। और यही वजह है कि शायद अचानक उन्होंने राष्ट्रीय परिषद की भी बैठक बुला ली है, कुछ बड़ा करना हो जी। तो वो केंद्रीय भाजपा केंद्रीय नेतृत्व से वो आश्वासन चाहते हैं और 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 बैठक का और भी महत्वपूर्ण पहलू है, जैसे कि जहां जो इनके उम्मीदवार हैं तो कम वोट से हारे हैं, जो उम्मीदवार लड़ाई में थे लेकिन वो पिछड़ गए हैं, उस विधानसभा क्षेत्र में नीतीश कुमार अपने कार्यकर्ता के माध्यम से, अपने सांसद के माध्यम से अपने आप को मजबूत करना चाहते हैं और भाजपा के संगठन के बराबर अपना संगठन बिहार में देना चाहते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार के संबंध में ये बार बार बताया गया है कि नीतीश कुमार कमजोर हो गए हैं, जदयू खंड खंड होके बिखर जाएगी, जदयू का भाजपा में विलय हो जाएगा तो जदयू का राजद में विलय हो जाएगा। नीतीश कुमार 2025 के चुनाव में अपनी उत्तमदार उपस्थिति और अब एक बड़े भाई की हैसियत पैदा करने की स्थिति के लिए इतनी रस्साकसी शुरू की जी। नहीं नहीं, रस्साकसी शुरू है, सारी चीजें हो रही है, लेकिन नीतीश कुमार का क्या? नीतीश कुमार आखिर क्यों भरोसा कर? देखिए, नीतीश कुमार के दोनों हाथ में लड्डू है आज की तारीख पे। एक तरफ तो क्लियर है कि बीजेपी का जो स्टैंड है उसमें मतलब डिफरेंट डिफरेंट लोग है, कई गुटों में बटा हुआ है, शीर्ष नेतृत्व की तरफ से तो आश्वासन दिया जा चुका है कि आपको 2025 में आप ही नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन जो अलग अलग नेता बयान दे रहे हैं तो इसको भी समझना हो ना। और सामने से आप कह रहे हैं, देखिए जेडीयू की तरफ से सफाई दी जा रही है कि नहीं भाई, नीतीश कुमार की वजह से ही यहाँ पे जीते हैं। जमा खान तो साफ कहा था, जमा खान का जो स्टेटमेंट है कि यहाँ मोदी जी के चेहरे पर नहीं, नीतीश कुमार के चेहरे पर एनडीए यहाँ पर 30 सीटें जीती है जी। तो फिर कहना क्या है? और नीतीश कुमार के दोनों हाथ में लड्डू ये है, देखिए बीजेपी तो इतना समझ चुकी है कि अगर केंद्र की सरकार बचानी है तो नीतीश को यहाँ पर बिठाना ही पड़ेगा, आश्वासन देना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। लेकिन बीजेपी के लोकल नेताओं को इस बात का भी आभास है कि अगर नीतीश कुमार के नाम पर चुनाव लड़ा जाए तो शायद वो सफलता नहीं मिलेगी, यानी इस बार शायद एनडीए की सरकार न बन पाए, इसी वजह से विरोधाभास है। तो एक तरफ कुर्बानी है, एक तरफ मतलब ये दोनों चीजें चल रही है। दूसरी तरफ नीतीश कुमार ये देख रहे हैं कि वो चाहे जहां चले जाएं, बीजेपी के साथ रहते तो शायद वो चीफ मिनिस्टर बने या न बने, ये भी जेडीयू में चर्चा चल रही है। लेकिन अगर महागठबंधन के साथ जाते हैं तो 200% उनका श्योर है, क्योंकि पिछले बार का जो
अब उठा कर देख लीजिए, 15,000 20,000 वोटों से तेजस्वी यादव सीएम बनते बनते रह गए थे जब एनडीए में साथ में नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया था। तो वो 15,000 20,000 वोट तो आसानी से नीतीश कुमार जाते हैं, तो 15,000 20 या 15,000 20 निश्चित रूप से बिल्कुल। लेकिन लेकिन तेजस्वी यादव करीब करीब पिछले दो चुनाव से बिहार में काफी एक्टिव राजनीति कर रहे हैं, तो तेजस्वी यादव भी अब ये नहीं चाहेंगे कि नीतीश कुमार अगले 5 साल तक उनका रास्ता रोक के रखे। ये भी उस खेमे में ये भी बात तो चल रही है, इसी के कारण से नीतीश कुमार भाजपा के साथ नहीं नहीं, नहीं। और देखिए यही सारी चीजें तो विरोधाभास है, समझ में नहीं आ रही चीजें चल क्या रही है। आरजेडी के भाई वीरेंद्र का कल बयान आता है, नीतीश कुमार एनडीए छोड़ेंगे महागठबंधन में आएंगे, तो महागठबंधन में आएंगे तो नीतीश कुमार क्या सीएम पद पर नहीं जाएंगे? तेजस्वी तो सीएम मानेंगे, ऐसा प्रैक्टिकल लगता है क्या? और नीतीश कुमार की सीट कम होगी जी, तो तेजस्वी की सीट ज्यादा होगी, तो क्या तेजस्वी के विधायक नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के रूप में स्वीकार करेंगे? यहाँ भी विरोधाभास है, लेकिन अब तक तो स्वीकार करते आए हैं ना। हाँ, करते आए, अब तक तो बीजेपी भी स्वीकार करती है। बिल्कुल, अब तक तो बीजेपी ही स्वीकार करती आई है आखिर। लेकिन वो सारी बातें ठीक है, लेकिन नीतीश कुमार चाहे इधर रहे या उधर रहे, आपको ये लगता है पिटकल कि वो बिना सीएम पद की कुर्सी लिए इधर चाहे उधर जाने वाले हैं? नीतीश कुमार की सारी राजनीतिक बिहार की विरासत है, बिहार के मुख्यमंत्री येन केन प्रकारेन उनको बना रहा है, इसके लिए वो अपना सेफ जोन की तलाश कर रहे हैं। और नीतीश कुमार की राजनीति रही है कि सहयोगियों पर दबाव डालकर विरोधियों का डर दिखा के आप कुर्सी पर बने, यही हाल महागठबंधन में भी वो किए थे और यही हाल वो बीजेपी के साथ कर रहे। और बीजेपी की मजबूरी है कि सुशील मोदी के जाने के बाद बीजेपी में कोई भी एक ऐसे नेता नहीं है जिनको 80% 90% पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं का साथ। सुशील कुमार मोदी जी के साथ भी था, करीब करीब 25% कार्यकर्ता 25% पदाधिकारी उनके एजेंट थे, लेकिन 75% पदाधिकारी सुशील मोदी को स्वीकार करते थे। और बीजेपी का दुर्भाग्य है कि बीजेपी में प्रदेश स्तर का कोई भी नेता अब तक पैदा नहीं, सर्वमान्य नेता कह सकते हैं जी, सर्वमान्य। चलिए, मुझे लगता है कि 29 जून निर्णायक तारीख है, 3 दिनों के लिए दिल्ली रवाना हो गए नीतीश कुमार। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक तो पहले से तय थी, अचानक उन्होंने राष्ट्रीय परिषद की बैठक बुला ली है, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से ठीक पहले 29 जून को है। बहुत कुछ फैसले होंगे, तो क्या उसमें एनडीए से अलग होने का भी कोई फैसला लिया जाता है? चूंकि कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने की भी चर्चा चल रही है कि कोई बनाया जा सकता है, चूंकि अब तक जितनी बार आप रिकॉर्ड उठाकर देखेंगे तो जब जब राष्ट्रीय कार्यकारिणी या पदाधिकारियों की बैठक हुई है तो अध्यक्ष बदले जाते रहे हैं, कभी आरसीपी सिंह को बनाया गया, कभी उनको हटा करके ललन सिंह को बनाया गया, कभी ललन सिंह को हटा करके वो खुद बने। तो इस बार क्या कुछ ऐसा हो सकता है, ये भी देखने वाली बात है। बहुत बहुत धन्यवाद पाठक जी, धन्यवाद।